नमस्ते दीदी, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम लिंगैया नायक है और मैं एक किसान हूँ। मैं यहाँ पर आप सबके पास एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने आया हूँ। जो सभी बीमारियाँ हमारी फसल में लग जाती हैं, खासकर मिर्च के पौधे में, उसे अंडे और नींबू के रस से दूर किया जा सकता है। एक पौधे को सेहतमंद तरीके से बढ़ने के लिए अंडा और नींबू के रस का इस्तेमाल किया जा सकता है। भैया, हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा अंडा, नींबू और 50 ग्राम रीठा। जरूरत के हिसाब से नींबू लीजिए और उसे आधा काटने के बाद उसका रस एक बर्तन में निकाल लीजिए। भैया, घोल में बीज रह जाने से कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं दीदी, रस को छान लीजिए और इससे बीज अलग हो जाएंगे। बीज को निकाल के फेंक दीजिए। भैया, लेकिन आप कपड़े से अंडा क्यों साफ कर रहे हैं? देखिए दीदी, अंडे को कपड़े से इसलिए साफ किया जा रहा है ताकि उसके ऊपर जो भी गंदगी हो या मिट्टी हो वो उससे अलग हो जाए। अब इसके बाद कुछ इस तरह से अंडों के बर्तन में नींबू के रस को छान लें। अच्छा भैया, क्या हमें अंडों को कुछ दिन बाद तोड़ना होगा? जी हाँ दीदी, हमें अंडों को 7 दिन तक नींबू के रस में ही भिगोकर रखना होगा। इससे यह होगा कि उसका कवच अपने आप ही मुलायम होकर उसमें घुल जाएगा। तो क्या भैया, हमें इसका ढक्कन बंद करके रखना होगा? नहीं दीदी, हम इसको खोल कर भी बंद कर सकते हैं। भैया, इस मिश्रण को हम किस किस फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? दीदी, हम इसको सभी तरह की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मिर्च, लत्तेदार सब्जियां और धान में भी। दीदी, हम इसको मिर्च के पौधे में तब डाल सकते हैं जब उसमें फूल आने वाला हो। यह पौधे में लगने वाली सभी तरह की बीमारी को खत्म कर देता है। भैया, हम एक बार में इसकी कितनी मात्रा स्प्रे पंप में डालेंगे? 16 लीटर पानी में 50 ml मात्रा काफी है। तो भैया, इससे हमको फायदा क्या होगा? दीदी, अगर आप इसी तरह का मिश्रण और इसी मात्रा में बाजार में लेने जाएंगे तो उसकी कीमत 500 से 1000 रुपए पड़ेगी। यहाँ पर यह कम खर्च में ही तैयार हो गया, जिससे छोटे किसानों को बहुत फायदा रहेगा। यह घोल हमने खुद तैयार किया और इसकी लागत मुश्किल से 20 से 30 रुपए आई। भैया, इसको लेकर हमें क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी? हाँ दीदी, इस घोल को किसी ठंडी, सूखी और साफ जगह पर ही रखें। और एक बात और, दिन में 2 बार इस बोतल को खोलकर बंद कर दें, यानी कि 2 बार इसका ढक्कन हटाएं और फिर उसे लगा दें। अच्छा भैया, इसमें रीठा का कैसे इस्तेमाल होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी। अगर हम रीठा को इस मिश्रण में डालेंगे तो जब हम इस मिश्रण का उपयोग पौधों में करेंगे तो यह मिश्रण रीठा की वजह से पत्तियों में चिपक जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा। दीदी, हमें 1 एकड़ के जमीन के लिए लगभग 12 अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, इस अंडे को 2-3 घंटे नींबू के रस में भिगोने के बाद इसका कवच पतला हो गया है। भैया, हम कितने समय तक इस घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं? दीदी, हम इस घोल को बनाने के बाद इसका इस्तेमाल केवल 30 दिन तक ही कर सकते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाता है। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी हमें इस अंडा नींबू घोल के बारे में दी। आप सभी दीदियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। आप सबसे यही निवेदन है कि
सभी समूह की महिलाओं को और छोटे किसानों को प्राकृतिक विधि से खेती करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे हैं और यह फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। 8 दिन के बाद अंडे पूरी तरह से नींबू के रस में घुल गए और घोल कुछ इस तरह दिखाई दिया।